सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कुशमांडा आईएएस एचसीएस एकेडमी को और दबाएं नोटिफिकेशन बेल को ताकि आपको हमारी सभी अपडेट मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से कुशमांडा एकेडमी में। और आज हम बात करने वाले हैं जनरल साइंस पर और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जिसके हमने कुछ क्वेश्चन अभी पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 101 क्वेश्चन हम पहले बता चुके हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मेस्ड। तो इसमें एक तरफ विटामिन दिए हुए हैं, सामने उनके बीमारियां हैं, तो कौन सा ऐसा है जो करेक्टली मेस्ड नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं उसके अंदर सी का स्कर भी ठीक है, के का क्लोटिंग ऑफ ब्लड ये भी ठीक है, और ए की कमी से होता है आपका नाइट ब्लाइंडनेस, और ये जो रिकेट्स है आपका ये आपका गलत है, ठीक है ना, क्योंकि रिकेट्स होता है आपका डी से। द फाइबर दैट विल यील्ड अमोनिया व्हेन डेस्ट्रक्टिवली डिस्टिल्ड इज 102। तो ऑप्शंस देख लेते हैं इसके, ए बी सी डी, और फाइबर यील्डेड अमोनिया व्हेन, तो हाँ बताइए, जवाब आ चुका है और इसका है आपका क्वेश्चन नंबर 102 का है ए। क्वेश्चन नंबर 103, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एनर्जी इज डेराइव्ड फ्रॉम, श्वसन के दौरान ऊर्जा कहाँ से डेराइव होती है, एटीपी, क्लोरोफिल, आरएनए, डीएनए। आसान सा सवाल है, एटीपी आपने देखा होगा ना, एटीपी आपके माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं, ठीक है, तो ये इसका जवाब है। तो वैन वॉज ए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ डेली टेम्परेचर रिकॉर्ड्स क्रिएटेड, तो अराउंड 1890, अराउंड 1920, अराउंड 1800, अराउंड 1850। क्वेश्चन नंबर 104 का भी है आपका 1920। और सेक्स क्रोमोसोम्स आर विटामिन्स, एल्केन्स, स्टेरॉइड्स और कार्बोहाइड्रेट, 105, तो इसका है आपका डी, एस्टेरॉइड्स। ए फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन दैट रिड्यूसेस विजिबिलिटी एंड कॉजेस ब्रीथिंग प्रॉब्लम इस, तो किसका कंडेंसेशन, ड्यू का, फ्रोस्ट का, स्मोक का और मिस्ट का, 106, तो इसका है आपका सी, स्मोक, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 107 आप कीजिए, और कुछ क्वेश्चन है जो हम नायब तहसीलदार वाले एग्जाम के लिए डिस्कस कर रहे हैं। और ग्रीन ग्लैंड्स आर एसोसिएटेड विद रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन और डाइजेशन, 107, तो इसका है आपका बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन द गैसेस एंटर इनटू ब्लड एंड लीव द सेम बाय प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट और ऑस्मोसिस, 108, अच्छा सवाल है, तो इसका है आपका बी, डिफ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 109, हार्ट इज डिवॉइड ऑफ कार्डियक मसल, इनवॉलंटरी मसल, वॉलंटरी मसल, स्मूथ मसल, 109, तो 109 का है आपका सी, वॉलंटरी मसल। द सोइल सैलिनिटी इज मेजर्ड बाय 110, तो इसका है आपका हाइग्रोमीटर, सोइल सैलिनिटी। क्वेश्चन नंबर 111, ट्रिपल 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंगल डिजीज, 111, तो सी है आपका रिंग वॉर्म, चिकन पॉक्स इज कॉज बाय, देखिए कोशिश करो आप क्या जवाब हो सकता है इसका, चिकन पॉक्स, 112, तो इसका ए ऑप्शन है आपका डीएनए वायरस। क्वेश्चन नंबर 113, इंस्ट्रूमेंट कैन बी शील्डेड फ्रॉम आउटसाइड मैग्नेटिक इफेक्ट्स बाय सराउंडिंग देम विद, चार ऑप्शन है, आयरन शील्ड, रबर शील्ड, ब्रास शील्ड और ग्लास शील्ड, तो 113 का जवाब है आपका सी, ब्रास शील्ड। फाइंड ऑड वन, मार्बल, चौक, लाइमस्टोन और स्लैग लाइम, 114 का आपका डी जवाब है। द फॉलोइंग इज ए स्यूडो फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल रिएक्शन फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, क्वेश्चन नंबर 115, तो इसका है आपका सी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। द हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स इज अ डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ, हाइड्रोलिक ब्रेक जो है ना आपके पास के लो पे काम करते हैं, लिफ्ट भी आपकी इसी पे काम करती है, ठीक है ना, लिफ्ट जो होती है लिफ्ट और कार के ब्रेक, ठीक है, कार ट्रक वाली ब्रेक सब इसी पे काम करते हैं आपके पास के लो पर। क्वेश्चन नंबर
7. Amides can be converted to amines by reaction named. Oh, question number 117 का है C. Hoffman. The base used as an antacid is 118. चार ऑप्शन है. तो एंटासिड पूछा है क्या है, तो आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, एंटासिड होता है ना आपका, जैसे डाइजीन होती है. क्वेश्चन नंबर 119. ए प्रोसेस विच इज नॉट हेल्पफुल इन द प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन. तो चार ऑप्शन है आपके सामने, आप एक बार कर लीजिए. तो आपका है ए ऑप्शन इसका एनीलिंग. ठीक है ना, एनीलिंग. और अगला है आपका डी नेचर्ड एल्कोहल. डी नेचर्ड एल्कोहल तो इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग एज इट कंटेन्स पॉइजनस सब्सटेंसेस. क्वेश्चन नंबर 120. क्वेश्चन नंबर 121. फिनोलिक्स एज पॉल्यूटेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम वेस्ट वाटर बाई यूज ऑफ. फिनोलिक्स का सवाल है क्वेश्चन नंबर 121. तो ये है आपका पायरोमेरिक या पॉलीमेरिक एब्जॉर्बेंट. क्वेश्चन नंबर 21-22. द स्टेबिलिटी ऑफ ए पॉन्ड इकोसिस्टम डिपेंड्स ऑन. 122. तो चार ऑप्शन है इसका, है आपका डी प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स. क्वेश्चन नंबर 123. सुपरसोनिक एयरप्लेन्स क्रिएट ए शॉक वेव फॉल्ट. तो चार ऑप्शन है आपके सामने और आप देख पा रहे हो, तो इसमें आपका है सोनिक बूम. सुपरसोनिक एयरप्लेन्स क्रिएट ए शॉक वेव, सोनिक बूम कहते हैं. द डेंजर सिग्नल्स आर रेड व्हाइल द आई इज मोर सेंसिटिव टू येलो बिकॉज ऑफ. क्वेश्चन नंबर 124. तो इसका हम देख लेते हैं ऑप्शन, चार ऑप्शन पढ़ लेते हैं. द वेव लेंथ ऑफ रेड लाइट इज मोर देन येलो लाइट. ट्रांसबाउंड्री पॉल्यूशन और एसिड रेन इज कॉज्ड बाय. आसान सवाल है, पहले भी हम कई उसमें डिस्कस कर चुके हैं आपका, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडेमिक स्पीसीज. 126. एंडेमिक स्पीसीज तो इसमें आपका ऑप्शन है ए निकोबार पिजन. द नेचुरल डिजास्टर इन विच कार्बन डाइऑक्साइड सडनली इरप्ट्स फ्रॉम ए डीप लेक वॉटर इज नॉन. तो क्या कहा जाता है इसे, तो आपका 127. ए लिमनिक इरप्शन. ए लिमनिक इरप्शन यानी कि ए ऑप्शन है. ब्लड ग्रुप वॉज डिस्कवर्ड बाई, आसान सवाल है 128 का. तो ये आपके कार्ल लैंड स्टीनर. कार्ल लैंड स्टीनर. क्वेश्चन नंबर 129. पिक आउट द करेक्ट मैच एग योक फ्लैशिप फूड्स फिश मिल्क. तो मिस द फॉलोइंग सवाल है आपका 129 के लिए, तो उसका है ए ऑप्शन एग योक, ये करेक्टली मेस्ड है. क्वेश्चन नंबर 130. ब्लड इज ए. ब्लड इज ए रिप्रोडक्टिव टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू एपिथेलियल मस्कुलर. तो इसका है आपका 130 का है बी कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक. बी में से कहते हैं संयोजी ऊतक. क्वेश्चन नंबर 131. डीपीटी वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड टू प्रिवेंट डिजीजेस लाइक. ठीक है, तो डीपीटी का फुल फॉर्म पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 131 और इसका जवाब है आपका बी डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस और टिटनेस. मेरे साथ साथ आप करते रहिए. द डिजीज दैट हैज बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड. कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बात कर रहे हैं जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं नायब तहसीलदार वाले एग्जाम में. 132. ए स्मॉल पॉक्स. इन डाइकोट्स द पोलेन ग्रेन्स पजस. वन जर्म पोर, टू जर्म पोर्स, थ्री जर्म पोर्स, फोर जर्म पोर. तो 133 इसका है आपका सी. तो नेक्स्ट है आपका फराडे इज द यूनिट ऑफ. ठीक है, फराडे के ऊपर है आपका. तो 134 का आंसर है आपका. तो ये कंडक्टेंस कैपेसिटेंस तो बी आपका ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 135. स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर बिकॉज इट. क्वेश्चन नंबर 135. तो ऑप्शन हैं इसके, एक बार पढ़ लेते हैं और उसके बाद आपका बी रिक्वायर्स लार्जर डिफॉर्मिंग फोर्स.
Identify the old term amongst the following group: coaxial cable, optical fiber, twisted pair, microwaves. 136. तो इसका डी ऑप्शन है आपका. क्वेश्चन नंबर 137. स्टेन्स ऑफ रस्ट ऑन क्लोथ्स कैन बी रिमूव्ड बाय. ठीक है, तो रस्ट के निशान कैसे हटाए जा सकते हैं. 137. तो इसका है आपका बी, ऑक्सैलिक एसिड से. द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन अमोनियम सल्फेट इज. 138 का है बी, 21%. 139, इथेनॉल कंटेनिंग 5% वाटर इज नोन एज. तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, रेक्टिफाइड स्प्रिट. द हार्मोन यूज्ड एज एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इज. 140, इसका आपका सी, प्रोजेस्ट्रॉन. एक्सपेंड द टर्म आईपीसीसी. तो आईपीसीसी के लिए इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज डी. और एक्सेप्टेबल नॉइज पोल्यूशन इन इंडिया रेंज बिटवीन. फैक्चुअल है, बताइए क्या जवाब हो सकता है इसका. तो इसका है आपका 40 to 45 डेसिबल. एंडोसल्फान स्प्रे ऑन कैश्यू क्रॉप्स रिजल्टेड इन पोल्यूशन टू द ट्यून ऑफ ट्रेजेडी इन. 143 का है बी, केरला. हाइपोथेंसीमिया अकर्स ड्यू टू लॉस ऑफ एक्सेसिव हीट फ्रॉम बॉडी ड्यू टू सडन लो बॉडी टेम्परेचर इन. 144 का है सी, ह्यूमन बींग्स. 145, सॉलिड्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट हायर टेम्परेचर बट नॉट लोअर टेम्परेचर आर कोल्ड. ठीक है, वो ठोस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. तो क्वेश्चन नंबर 145 का है आपका, इसको सेमी कंडक्टर कहते हैं. सेमी कंडक्टर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटेस्ट मास. सबसे ज़्यादा मास किसका होता है. 146 का. तो ये आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन न्यूक्लियस. तो आप मेरे साथ ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए. तो ये आपका इसका है 146 का है सी. ठीक है, तो उसके बाद है आपका नेक्स्ट 147. ए टेलीविजन चैनल इज कैरेक्टराइज्ड बाय. 147 का ऑप्शन देख लेते हैं. तो जो टेलीविजन चैनल इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसमिटेड सिग्नल. द डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सीसी दैट इज स्ट्रिक्टली वैलिड एट. 148 का है बी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड. द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ. 149, उसका है आपका सी, सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. 150, ए कोलाइडल सिस्टम इन विच ए लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन ए लिक्विड इज कॉल्ड. 150 का है बी, इमल्शन.